हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रेजर वाइपर मिनी वर्जन 2 का, सॉरी आई मीन रेजर कोबरा का, जो एक रिप्लेसमेंट है फॉर द रेजर वाइपर मिनी। अभी एक 3,500 रुपये का माउस है, लेकिन अगर आपको पता हो तो रेजर वाइपर मिनी आजकल आपको, मतलब एटलीस्ट थोड़े दिन पहले तक आपको 2,000 रुपये में मिल जाता था। तो एक सेम माउस के लिए 1,500 रुपये खर्च करना सेंस बनाता है? आई थिंक कुछ केस में येस एंड कुछ केस में ज़बरदस्ती येस। तो इन सब के बारे में बात करेंगे बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। तो वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ जाके मेरी रेजर वाइपर मिनी वाली वीडियो एक बार चेक कर ले, यहाँ पे होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। रीज़न बीइंग, ये दोनों सेम माउस है, ओवरऑल शेप एंड साइज़ दोनों का सेम है, तो यानी मेरी जो ग्रिप रिकमेंडेशन होगी या फिर जो शेप के बारे में मेरी चर्चा होगी वो सेम ही है। लेकिन शॉर्ट में बताने के लिए, रेजर कोबरा एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन वाला माउस है, एक कॉम्पैक्ट माउस है, यानी ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जिनके हाथ का साइज़ 18 सेंटीमीटर के नीचे रहे। अगर आपके हाथ थोड़े बड़े हैं तो इट्स बेस्ट फॉर फिंगर टिप ग्रिप, मे बी एक बहुत ही लूज क्लॉ ग्रिप के लिए अच्छा है, लेकिन छोटे हाथों के लिए कि ये क्लॉ ग्रिप, पाम ग्रिप और फिंगर टिप ग्रिप सबके लिए काम कर सकता है, बिकॉज इसका जो शेप है बहुत ही अप्रोचेबल है। इसका वेट 58 ग्राम्स है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इससे भी लाइट माउस अवेलेबल है, मतलब ऑलमोस्ट इसी प्राइस में अगर थोड़ा सा पैसे खर्च करो तो आपको 48 ग्राम्स का माउस मिल सकता है, जैसे कूलर मास्टर MM712। लेकिन मेरे ख्याल से 60 ग्राम्स के नीचे कुछ भी माउस काफ़ी अच्छा है एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स। बाकी रेजर वाइपर मिनी और है ना कोबरा के बीच में फीट सेम है, केबल सेम है, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छी चीज़ है जस्ट बिकॉज आपको चेंज की जरूरत भी नहीं थी। वाइपर मिनी में केबल और फीट फॉर द प्राइस काफी अच्छे थे, तो यहां भी मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब रेजर वाइपर मिनी में एक कंप्लेंट जरूर थी कि उसके जो सेंसर था उसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। वहां पे जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस था वो करीब करीब 2.55 to 2.75 millimeters, लेकिन यहां पे उन्होंने थोड़ा सा सेंसर को अपग्रेड किया है, थोड़ा सा नए जनरेशन का सेंसर यूज किया है और अब जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, 1.16 मिलीमीटर के आसपास, एंड एनीथिंग अंडर 2 मिलीमीटर इज मोर देन फाइन। अब रेजर वाइपर मिनी का जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस था लोग उसके भी यूज टू हो गए थे, लेकिन जितना कम लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस होगा हमेशा उतनी अच्छी बात है। अब चेंजेस के मामले में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जैसे मैंने बताया एक सेंसर चेंज हुआ है, दूसरा एक जो बड़ा चेंज हुआ है वो है नए जनरेशन के ऑप्टिकल स्विचेस, V3 वाले स्विचेस, जो मेरे ख्याल से अच्छा चेंज है बिकॉज V3 ऑप्टिकल स्विचेस रेजर के काफी ज्यादा टैक्टाइल है, थोड़े से पहले मुशी फील होते थे, मतलब वाइपर सीरीज के जो स्विचेस थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्लिकी है, थोड़े ज्यादा फर्म है एंड मजा आता है, थोड़े हाई क्वालिटी फील होता है इनको प्रेस करके। वाइपर मिनी के साथ मेन कंप्लेंट क्या थी कि लॉन्ग टर्म यूज में स्क्रोल व्हील सबसे पहले उड़ जाता था, सबसे पहले खराब होता था, लेकिन देखते हैं 6-7 महीने बाद क्या सीन होता है। बाकी मुझे लगता है कि स्क्रोल व्हील पहले से थोड़ा छोटा भी है, आई डोंट नो इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन या क्या, लेकिन मुझे लगता है स्क्रोल व्हील थोड़ा सा पहले के मुकाबले छोटा है, लेकिन ओवरऑल स्विचेस का जो फील है, चाहे मेन क्लिक्स हो या साइड क्लिक्स हो या फिर स्क्रोल व्हील हो, वो सब काफी अच्छा है, काफी ज्यादा हाई क्वालिटी फील होता है। ऑब्वियसली 3,000 रुपये का माउस है, सो जब प्राइस की बात करी रहे तो फाइनली मेन उस पॉइंट को हिट करते हैं, क्या ये रेजर कोबरा एक्चुअली क्रिएट करता है 3,500 रुपए के बजट में? ये माउस एक्चुअली लॉन्च होता 3,500 में, ठीक है, धीरे धीरे करते करते अभी इसका जो प्राइस आ चुका है वो करीब करीब है 3,200 या 3,100 के आसपास, यानी ऑलरेडी 300-400 रुपए का डिस्काउंट कुछ कुछ जगहों पे मिलना शुरू हो चुका है। एंड अगर आपको याद हो जब रेजर वाइपर मिनी भी आया था ना, उसका जो लॉन्चिंग प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास था, तो धीरे धीरे 6-7 महीने बाद या फिर ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद जाके जो उसका प्राइस था वो लाइक है ना 1,700 रुपीज तक आया था। इसके साथ भी यही होने वाला है, इनिशियल लॉन्च प्राइस काफी ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करते करते इसका जो मेन सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो मैं कहूंगा 2,500 रुपीज तक आ जाएगा, एंड 2,500 रुपीज मेरे ख्याल से काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी मुझे ये चीज समझ नहीं है कि रेजर ने चेंज क्यों किया, उन्होंने वाइपर फैमिली को थोड़ा कट ऑफ क्यों कर दिया, बिकॉज वाइपर जहां हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइनअप है वहां पे वाइपर मिनी आया था, यहां पे कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई बड़े साइज का कोबरा माउस नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कोबरा प्रो और समथिंग, आई मीन टेक्निकली कोबरा प्रो है लेकिन वो वायरलेस वर्जन, लेकिन कोबरा का कोई बड़ा साइज का वर्जन नहीं है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल वो चाहते हैं कि ना वाइपर एक अपना स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, वो थोड़ा हेलो स्टाइल या फिर एक फ्लैगशिप टाइप का प्रोडक्ट है, और कोबरा थोड़ा सा एंट्री लेवल स्टाइल में जाए, एंड ये थोड़ा सा डिजाइन में भी जरूर दिखता है, बिकॉज मुझे लगता है कि पुराना वाइपर मिनी थोड़ा ज्यादा महंगा दिखता था, यहाँ पे रेजर कोबरा में थोड़ा सा ज्यादा ग्लॉसी फिनिश है, हल्के से ग्लॉसी एलिमेंट ज्यादा है, ग्लॉसी चीज, ग्लॉसी प्लास्टिक कभी मुझे किसी पेरिफेरल में अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज यस,
कोबरा, रेजर कोबरा इज अ ग्रेट माउस, आप जाके खरीद सकते हैं। अगर आपके हाथ छोटे हैं अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर्स तक, और आपको एक ऐसा माउस चाहिए जो सिमेट्रिकल डिज़ाइन वाला हो, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन वाला ना हो, और आपको हाई परफॉर्मेंस स्विचेस चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सेंसर चाहिए, और ओवरऑल एक अच्छा माउस चाहिए, देन कोबरा इज अ गुड ऑप्शन। थोड़ा सा वेट ज़रूर कर सकते हैं, मे बी है ना प्राइस 2800 तक 2700 तक आ सकता है, सो उस प्राइस में तो इट्स अ ब्लाइंड बाय। देर आर कूलर मास्टर ऑप्शन, लेकिन कूलर मास्टर भी कुछ लोगों के साथ क्वालिटी इश्यूज रहते हैं, सो आई डोंट नो। बाकी एनी क्वेश्चंस फॉर दिस माउस तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन।